बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सब ठीक हैं। और ये बन रही है कश्मीरी चाय, तो इसका कहवा मैंने पहले ही बना लिया था। और हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो कुछ समोसे लेंगे और कश्मीरी चाय बाहर बैठ के पियेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और इसमें मैंने कहवा डाला है तकरीबन तकरीबन 6 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये देखें, कहवा बनाने के लिए मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें मैं शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। तो इसका कहवा अगर बना के रख लो तो बहुत जल्दी से कश्मीरी चाय तैयार हो जाती है। और विंटर वेकेशन चल रही है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ, हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो उसकी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी वो एडिट नहीं हुई है। तो ये कश्मीरी चाय बन रही है, तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इसको मिक्स करना होता है, इस तरीके से चलाना होता है। तो ये अच्छी सी, कहना चाहिए ना, इसका कहवा जो है दूध के साथ मिक्स हो जाता है। वो कश्मीरी चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये दूध की चाय होती है, और सर्दियों में इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में बहुत अच्छी होती है ये, गले के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैंने इसमें शुगर भी डालती है, इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और गुड़ डालने से ये होता है कि गुड़ के फ़ायदे अलग हैं, और गुड़ भी सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस यही है कि आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है और थोड़ी सी शुगर डाली है। मुझे कश्मीरी चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा बस चले कि मैं जो है ना गर्मियों में भी इस चाय को इन्जॉय करूँ। लेकिन ये कि थोड़ी गर्म होती है, और इसमें बादाम पिस्ते भी डालते हैं। ये है बादाम पिस्ते, ये भी मैं इसमें डाल के पकाऊँगी। और ये डायरेक्ट वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल वाली जो वीडियो है वो भी एडिट नहीं हो सकी है। मैंने कहा चलो इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं। और जल्दी जल्दी बता दें सब कमेंट में किस किस को पसंद है कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय बहुत अच्छी होती है, पिया करें और इन्जॉय किया करें। विंटर्स को हर चीज़ मौके के हिसाब से अच्छी लगती है, जैसे कि सर्दियों में कॉफ़ी और कश्मीरी चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। बस का जल्दी से उबाल आएगा तो मैं इसको थर्मास में निकाल दूँगी। थर्मास मैंने वॉश कर लिया था, बस अब मैं इसमें इसको डालूँगी। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी चाय निकाल दी है इसमें, बस इसको जल्दी से टाइट बंद कर दूँगी। बिल्कुल गरम गरम ये पहुँच जाएगी। और ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये देखें, ये पिकनिक का एक बॉक्स मैंने लिया था, और इसमें सब चीज़ें हैं, ग्लास भी है, प्लेट्स भी हैं, और कांटे चमचे और नाइफ़ भी है इसमें, और ये बॉक्स है पूरा। तो ये पिकनिक बॉक्स है, ये लेके जाएंगे हम। तो वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये कि जितना भी काम आएगा आ जाएगा। और ये देखिए, समोसे हमने ले लिए हैं, इसके साथ फ्राइज़ भी ले लिए थे। बस अब हम निकल गए थे इस टाइम, और एक समोसा मैंने गाड़ी में निकाल के खा लिया था, गरम गरम, बड़ा मज़े का था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी गाड़ी कहाँ पे है तुम्हें? कहाँ है मुझे देखी? हाँ वो ही। ये कौन सा बीच है? अलमंजर बीच। तो भाई ये तो बहुत करीब है भाई, मज़ा ही आ गया। है मैंने मज़ा ही आ गया भाई। हाँ भाई। कैसे बोलते हैं? अब हम अभी चीज़ें निकालेंगे, समोसे। अभियान बाज इल हाय। हाय। कैसे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं आप? समोसे खाने हैं? जी। पियेंगे आप कश्मीरी चाय? पियेंगे जी। अच्छी लगती है आपको? ज़बरदस्ती पियेंगे, मम्मा के कहने पर पियेंगे जी। ये देखें, हम समोसे लेके आए हैं। ये रे समोसे, यमी। इसके बीच में कैचअप फंसा हुआ था। ये कितने लिए समोसे? 8 लिए थे। तुमने 8 बोले थे? हमने। और ये हमारी चाय, ये अभी हम कश्मीरी चाय निकालेंगे। खूब हो रही है। और हम कीनू भी लेके आए हैं, बताओ ज़रा। कीनू भी खाएंगे और कश्मीरी चाय भी पियेंगे, डबल चीज़ें करेंगे हम आज। इसमें डालेंगे हम बादाम पिस्ते, ये कश्मीरी चाय। वाओ,
देख लें भाई सब्सक्राइबर हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, केचप के साथ समोसा खा रहे हैं। क्या बोल रही है? हाँ जो दिल चाहे वो बोल रही है, तुम बता दो सबको क्या बोल रही हो। कश्मीरी चाय, ये सर्दियों की धूप में हम पी रहे हैं कश्मीरी चाय। ये लो अभियान, अभियान ध्यान से जरा, इब्राहिम को ना लगे गरम में चाय। अभी अभी पियो, जल्दी से बताओ कैसा कैसी बनी है चाय। वाह मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई आज तो। जी बहुत मजा है। मैं जा रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए मौसम। और यहाँ पे ये लोग ओनो खेल रहे थे तीनों, और मैं इधर उधर वीडियो बना रही थी, इब्राहिम को भी देख रही थी। इब्राहिम थोड़ा ये किन चीज़ों में अभी इंटरेस्ट नहीं देता है, छोटा है, तो ये तीनों ही खेल रहे थे यहाँ पे। मुझे पता था कौन सा कार्ड था भाई। चलो चलो चलो, सुने कहाँ पे अपना घर, सुने अपना घर कहाँ पे, सुने फ्लैग के पीछे, इस फ्लैग के पीछे, ये जो सबसे हाइट पे। ओए मतलब अल्ताउन का एरिया है ना। ओए नहीं, अब मंजर का एरिया है, अल्ताउन का एरिया सामने से दिख रहा है। चलो चलो चलो, ऐसी है मामा। कैसे खाऊं मामा का बेटा, मुझे पता नहीं कैसे खाना। इब्राहिम हाय करो, इसमें से बीज निकालना है। बाय बाय, ये देखो बाय बाय नहीं करता इब्राहिम। मार्क तुम लगा के मुंह में डालो, मुझे भी तो दे कीनू। अच्छा। खा पी। और इब्राहिम ने खुद ही शूज पहन के और बस इधर उधर भाग रहा था, उसको मजा आ रहा था कि बस मुझे आजाद छोड़ दो और मुझे इधर उधर भागना है। अब बेटा ऐसे खा लो, ऐसे खाओ। और इसके साथ ही मेरी ये वीडियो एंड हुई। आप लोगों को कैसी लगी? ये थी विंटर वेकेशन में बच्चों के साथ हल्की फुल्की अचानक से बनाई गई पिकनिक, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। मतलब बच्चों को थोड़ा इंटरटेन भी करना होता है, ख़ुद को भी होना होता है, तो बस अचानक से चाय बना के आ गए थे और बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ इन्जॉय करें। सब तरफ विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी अमान अल्लाह।